साथियो अज मैं आया ये रेता दिया खड्डा जा जिहड़े रेता दे ठेके आ जिथे सुखबीर बादल रोज़ ही आके लाइव होके अपनी फेसबुक दे उत्ते मीडिया नू लैके भड़का मार रहा सीगा और तुहाडे सामने आ कि उहदे आउण तों बाद मेरे ख्याल 30 तरीक नू आया सीगा इत्थे मैं पुछया कि अज भी 30 तों लैके अज तक भी इत्थे कोई काम नहीं बंद होया ते मैं सुखबीर बादल नू इह पुछणा चाहुंदा कि सुखबीर बादल तेरी बड़क इन्नी हौली हो गई डिप्टी सीएम तू रहा पंजाब दा तू तो जिथों एक करी गेड़ा कढ़ जावे तो अफसर थर थर कंबदे हुंदे सी ते तेरे को ते एक खड्ड नहीं बंद कराई गई। असलीयत यह आ जिहड़ी मैं हुण लोकां दे सामने लियाउण लगा कि यह खड्ड तू बंद कराउणी नहीं सी चाहुंदा। कारण की है कि तेरी ते तेरे चाचे कैप्टन की 2007 तो इहो जी सैटिंग होई तुहाडी चाचे भतीजे की कि मेरा ख्याल आ भी तुहाडे विचों ते कितें सूई नहीं लंघ सकदी। 2007 तो 17 तक सवाए इलैक्शन मोड़ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे खिलाफ जे बोलिया होगा तो सिर्फ इलैक्शन वाले दिनों दे विच ते ना तुसी अपने 10 सालों चे उत्ते को कार्रवाई की होगी जिहड़ा तुसी स्टेजा तो आंदे सीगे मैं इहदी पजामी च चूहे छड़ देने आ मैं इहनूं पुट्ठा टंग देना वा उह हाल अगे आ गया। 2017 तो लैके अज तक ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तुहाडे उत्ते को कार्रवाई की। जदों भी इहो जिहे मुद्दे याद आउंदे आ सिर्फ जदों इलैक्शन सिर दे उत्ते आ गई तो तुहानू दोवां नू इह मुद्दे याद आ जांदे आ। 2016 दे विच सुखबीर कैप्टन दे खिलाफ जो बोलदा सीगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर दे खिलाफ बोलदे सीगे उहो गल्लां अज जिहड़ियां सुणन नू फिर नज़र आ रहियां। अंदर दे दूं सारे MLA मैं पुट्ठे टंग दूंगा। असल दे विच असलीयत की आ ये जनता जाण चुकी आ कि शक्तिमान ते गंगाधर एक ही है। सुखबीर जी मैं तुहानू सवाल कर लगा अज मैं तुहाडे करके इत्थे आया कि 4.5 साल तुहानू रेता दा मुद्दा याद नहीं आया 4.5 साल तक तुसीं क्यों नहीं बोले ते मैं तेनू अज पुछना चाहुंदा कि तेरे लीडर मैं तेनू कहिंदा कि 10 साल तुसीं भी इहो रेता वेचदे रहे हो ते तेरे लीडर ते तुसी अज प्रेस दे सामने लोकां नू सवाल करदे हो कि साडे खिलाफ कोई सबूत विखाओ अहीं 10 साल जिहड़ी उह रेता वेची होवे जां अहीं इहो जिहा कम कीता होवे। असी जनता वां यार साडे कोल किहड़ा पैरामीटर आ साडे कोल किहड़ी इहो जी FBI जां CIA दी एजेंसी आ जिथे तैनू चुक के लै जाईए जिथे तैनू इंटैरोगेट करके पुछ लईए जिथे तैनू पुछीए भी सुखबीर बादल तू 10 साल कम किया कि नहीं किया। काम ते सरकार दा हुंदा कि जे किते गलत काम हुंदे होण ते एक दूजे कोलों दूजियां कोलों पुछणा ते उहनां दे उत्ते कारवाई करना पर जदों तुसीं चोर कुत्ती रले हो ते फिर असीं जनता जाईए किथे। लोकां ने बथेरी दुहाई दे के वेख ली मैं तेरे तुहाडे ते ते तेरे कैप्टन ते गल्लां कहणियां चाहुंदा कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से मगर वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। शिकायत करिए किदको दुहाई दईए किनू सानू ते अज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी दे उत्ते इंसाफ नहीं लैके दे सकिया जनता नू ते रेता दा हिसाब सानू कित्थों लै दूगा। साडे जनता कोल सिर्फ एक ही हल है ते जे तुसी दोवें ही सुहिरद हो जनता लई ते मैं तैनू कहिंदा सुखबीर बादल जे तू ये हल मन्नेगा ते असी तेरे ते यकीन भी करांगे तेरी सरकार भी बनावांगे। गुरु घर दी सौ ते पॉलिटिशियन एवें खा जांदे हुण ते सानू यकीन ही नहीं रहा जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सौ खा ली सीगी। कहना नहीं चाहुंदा बच्चे सारयां दे सांझे हुंदे आ तेरे बच्चों मेरी उम्र भी लग जाए पर मैं ये गल कह मजबूर हो गया कि तू साडे कोल हल की बचिया कि तू हर महीने हरिमंदर साहब आना अपने परिवार के नाल तू उत्थे आके मत्था टेकदा। इस महीने जिदन हरिमंदर साहब आएगा ना 10 या 11 तरीक नूं आना वा तू अपने बच्चों के सिर के उत्ते हाथ रख के कह दे कि तू 10 साल जां तेरे MLA जिहड़े जिहड़े भी तेरे नाल आउंदे आ उहनां नूं कह दो अपने बच्चों की सहु खा जाण हरिमंदर साहब दे विच गुरु घर दे विच अपने बच्चों के सिर ते हाथ रख के कि की तुसी 10 साल रेता का कारोबार नहीं किया जां रेता की रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट ये जिन्ने काम पंजाब नूं उजाड़न वाले सीगे जिन्ने काम दे नाल पंजाब सखाला होणा सीगा दा रेवेन्यू इकट्ठा करके इहनूं भुखा करन दे विच इस पंजाब नूं उजाड़न दे विच कि सारे कामां दे विच तुहाडा रोल नहीं है। आओ सौ खाओ ते जे तुसी सौ खा जाओ मैं तैनूं कहिंदा मैं पहला मूहरे लग के तेरियां वोटां मंगूगा लोकां कोलों तेरी सरकार बणाऊंगा। और रेता दे उत्ते जदों तूं छापा मारिया तैनूं शर्म नहीं आई लोग इस तरीके तेरा मजाक उड़ा रहे थे तू सोशल मीडिया के उत्ते देखिया
अज भी तेरे लोगों ने काम लाया कि तेरी अज भी भाईवाली चलती कई कामों के अज कला मैं रेता दे उत्ते बोलना आने वाले दिनों कली कली गल का खुलासा करूँगा कि रेता शराब केबल बिजली ट्रांसपोर्ट कली कली गल दे उत्ते बोलूँगा। लोग तेरा मजाक उड़ा रहे सी लोगों को ही थले सुनन मिल जाता है कि सुखबीर बादल का छापा इस तरह लग रहा है जिवें राखी सावंत कुड़ियां नू सिर दे उत्ते चुन्नी लैण लई कह रही होवे। इहदे नाल नाल इस तरह लगता सीगा कि जिवें हाफिज सईद है ना जिहड़ा दुनिया भर का वड्डा अतवादी वह लोगों नू कह रहा होवे कि अतवाद के खिलाफ धरना देना। लोगों ने तेरा मजाक बना के रख दिता सोशल मीडिया से तेरे गंदे गंदे गाने बना के चला दते तेनू शर्म नहीं आती जिहड़े तेरी एजेंसी चलाउंदे उह दसदे नहीं भी तेरा मजाक बन रहा तेरा हाल। मैं चार लैणा कह के कहन लगा कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सिर्फ तेनू खबरां चाहिए सी बनाउण नू और तू बनाइया आना मैं इस तो बाद इस रेता वाली खड्ड दे उत्ते जिथे तू आया बिना जाने पछाने छापा मारन वेले मैं तेनू कहन लगा को बंदे ही चज दे लै उहदा नाल तू जदों छापा मारिया एक झोटे जे अरगा बंदा तेरे नाल तुरिया फिरदा सी हुण मैं नां नहीं लैणा उहदा उह आप तेरे रिश्तेदार नू माझे दे जरनैल नू पहला 1,10,00,000 रुपया महीना दिंदा रहा उस तो बाद 1.5 करोड़ दे विच सैटिंग हुई और 75-75 लाख रुपया 1 तरीक नू ते 16 तरीक नू आउंदा रहा। और तुहाडे 2 नंबरियां दी एक गल दी दीद देनी पऊगी जिन्ने तुसी मतलब पंजाब नू लुट्टण वाले लोक ते 2 नंबर दा काम करदे हो कि उह बंदे ने मैनू आप ही दस्सिया कि एक बारी मेरे को पैसे घट गए मैं किसी होर पासे लाते सीगे और इन्ने टाइम सिर पैसे मंगे ते मैं अपनियां बच्चियां दी FD तड़ा के इहनू पैसे भेजे। मैं उन्हूं भी कहना तेरे भी 2 बच्चे आ तू भी सौ खा के दस भी ये गल्लां सारियां होंदियां रहियां कि नहीं हो। और वह बंदा जिहड़ा सब तो अगे तुरिया फिरदा सीगा वह एड्डा वड्डा कारीगर आ कि अज कांग्रेस के राज च भी उन्हां दे खिलाफ पिछले 1.5 साल तो रौला पा के ते उन्हां को भी अपने इलाके दे विच महीना लैण दिया वा। इन्हां लोकां लई जे मैं कहां ना कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। सुखबीर मैं तेनू यह भी कह लगा जे तू चले गया रेता की खड्ड दे उत्ते ते तेनू पूरी तैयारी नाल आना चाहिए सीगा फिर इहनू बंद कराउण लई तू इहनू बंद कराउणा ही नहीं चाहुंदा मैं अगले पेपरां ते लगा हुण तेनू यह बंद कराउण दी काली नहीं सी तेनू सिर्फ यह सीगा कि लोगों च मैं नंबर बनावा सरकार अगली मैं बनाउण दी कोशिश कर रहा वा जे तू बंद कराउणी चाहुंदा इहदे लागे लागे 4-5 हल्के लगदे तेरे अपने वर्करां दी पक्की ड्यूटी ला दिंदा बाहर जाम करा के भी एक भी गड्डी बाहर नहीं जानी और इस जगह दे उत्तों एक ट्राली ना निकलदी। और इहदे नाल जिद्दण तू मकेरियां गया मैं अगे भी आउण लगा जदों तू मकेरियां गया तेनू एक बीबी मिली उत्थे वह कहती मेरी जगह दे विचों इन्हां सारी ते कब्जा कर लिया इच रेता निकलदी आ वह दवाई दिंदी रह गई ते तू अपने नाल दिआं नू कहिंदा चलो 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 चलीए। जे ऐडा तू पंजाब दा सिरद सीगा ऐडा ही कुछ करन गया सीगा फिर उस बीबी नू उत्थे कब्जा दवा के आउंदा डिप्टी CM सीगा तू तेरी सुनी जांदी तुरे तू उत्थे अफसरां नू फोन करदा और अफसर तेनू ठोक ठोक के अगों जवाब दे रहे आ यह खड्ड जायज आ यह फलाना जायज आ कादा तू डिप्टी CM रहा कादा तू गृह मंत्री रहा तेनू अगों डिबेट करनी नहीं आई अफसर भी तेरे तो चालू नहीं क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि तेरी सरकार आनी नहीं गी नहीं तो थर थर कंबदे अफसर तेरे को 1 साल रह गया 6 महीने रह गए अफसरां नू भी महसूस होण लग पिया भी कुछ नहीं पल्ले तेरे तेनू हुण मैं पुछदा कि तू डिप्टी CM रहा सानू लोगों नू भी महसूस नहीं हुंदा सानू यह भी महसूस होण हट गया भी तू पंजाब दा लीडर रहा वा तू डिप्टी CM रहा वा और जिहड़ियां तू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 10 सालों तो जिदा TV ते आउंदा ना एक नाटक हासियां खेडियां करदे रहिंदे हो एक दूजे दे नाल ते सानू लोगों नू शदाई बनाउंदे रहिंदे हो मत सोचो तुसी कामयाब होए अगर ना हासियां खेडियां करके तुसी अपना इस पंजाब दे लोगों तो दोवां ने भरोसा ही चुक लिया लोग तुहाडे उत्ते यकीन ही नहीं करते। हुण मैं तुहानू दोवां नू एक दो लैणा कहां ना तुहाडे लई कि अब तुम्हारी वजाहत में सदाकत नहीं लगती अब अपनी मुहब्बत की सफाई ना दिया करो तू इत्थे रेता दी खड्ड बंद कराउण आया सी ना तेरे नूं मैं घट काबल मैं किसे पोस्ते नहीं रहा आ पेपर डाकूमेंट मैं लैके आया तू ये खड्ड बंद नहीं कराउण आया तू इस खड्ड नूं उस दिन चालू कराउण आया सीगा क्योंकि तेनू पता सीगा 30 तरीक आ
30 तरीक नूं इन्हां दा जिहड़ा काम आ 2 महीने लई बंद हो जाणा, मानसून दा सीजन चलण वाला, तू सिर्फ इत्थे आ गया नंबर बनाउण नूं, भी शामां नूं काम बंद हो जाणा। और इन्हां लोकां ने इह भी सिरे दे तिर तों भी वड्डे मतलब कारीगर आ, इन्हां ने तेरे मूंह ते उह चपेड़ मारी कि 30 तक इन्हां कोल परमिशन सीगी, 15 दिन इन्हां परमिशन तेरे कोल वेर के वधाई भी असीं 15 दिन काम होर चलाउणा, सुखबीर बादल साडा नुकसान कर गया, आ तेरे पल्ले आ सुखबीर बादल, और तू रेता दी खड्ड फंड आया ना, तेरे को नहीं फड़ी गई। मैं इन्हां च खलो के कहिंदा असलियत सुणो, रेता दी खड्ड दी की आ, इत्थे खड्ड दा जिहड़ा ठेका मिलिया उह खड्ड दा हैगा ही नहीं, इन्हां लोकां नूं जिहड़ा ठेका मिलिया वा उह डीसिल्टिंग करन दा मिलिया वा, दरिया दी सफाई करन दा मिलिया वा, इस पासे जिहड़े बूझे आ झाड़ियां वा इहदी सफाई करन दा मिलिया वा, इहदी सफाई दे बदले उह सफाई ते हुंदी नहीं, उह वड्डे कारीगर ने उह सफाई ते हुंदी नहीं, ते सारी रेता कढ के वेची जांदी ते करोड़ां अरबां रुपईआं दा कारोबार हुंदा, इह तैनूं सारी समझ होणी चाहीदी सी सुखबीर बादल। मैं हैरान आ सरकार दी बशर्मी दे उत्ते वी कि खड्डां दे ठेके ते सुणे सीगे, डीसिल्टिंग दा ठेका दे के तुसीं सारे कानून ही बदल दित्ते, और कैबिनेट मिनिस्टर आ जिहड़ा माइनिंग दा ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NGT ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੋਆ ਭੋਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੋ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਕੋਈ MLA ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੂਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ JEE ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਰੇ MLA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਠੇਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਡੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ, ਰੇਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ MLA ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ MLA ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬਣਾ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਆ ਹਾੜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਉਦਣ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਦ ਕੋਲ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਸੱਪ ਖੇਡਦੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਰੱਬਾ, ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤਾ 341 ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਸਕਦਾ,
इज्जत रुतबा ताडा मतलब मेरे फादर फिगर हो गए, मेरे ताए समान हो गए, दादे समान हो गए, पर कुछ तो अकल नूं हाथ मारो, पंजाबियां नूं ताडे कोलों आ सीगी। और एक दूजे नूं तुसीं गालां की कढ़दे हो, दोवें जाणे गालां इस करके कढ़दे हो भी लोकी शदाई बणी जाण, उहनां नूं लगे भी साडे लई लड़ रहे आ। और मैं तुहानूं इह दो लैणा तुहाडे ते बिल्कुल राह तंदौरी दीआं ढुकदीआं कि ये जो चक्की चल रही है, ये जो चक्की चल रही है इसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो दूसरों को बेईमान कहते हैं। मैं लोगों नूं अपील कर लगा कि इन्हां तो कोई आस ना रखो, मेरी एक गल नूं समझ लो कि जदों भी इहो जे मुद्दे उठदे आ तुहानूं अगे लग के काम करना पैणा, हर वर्ग नूं साथ देना पैणा, चाहे वह रेता च इनवॉल्व हैगा कि नहीं हैगा, चाहे वह दुकान वाला, चाहे वह फैक्ट्री वाला, क्योंकि इहदा जिहड़ा नुकसान आ वह हर बंदे दे उत्ते भारू पैंदा। यह साडे कुदरती स्रोत ने, जिथों सूबे नूं कमाई होनी सी, जिथों सूबे का खजाना भरना वा, जदों सूबे का खजाना पूरा उत्थे नहीं जांदा ते हर चीज़ दे उत्ते महंगाई हो रही आ, चाहे वह बिजली आ, चाहे वह खाण पीण वालीआं चीज़ां वा, हर चीज़ दे उत्ते सरकार वध तों वध टैक्स ला रही आ, क्योंकि जिहड़े पैसे सरकार नूं जाणे चाहीदे आ वह जांदे नहीं। इहदा अखीर सारिआं दे उत्ते ओवरआल किते ना किते फर्क पैंदा। असीं सारे पीड़ित आ इन्हां चीज़ां दे उत्तों। साडी जे किसे दी जमीन नहीं ना ते इह ना सोचो तुहाडा नुकसान नहीं गा। हर पासे किसे ना किसे बंदे दा किसे ना किसे तरीके नुकसान हो रहा। मैं लोगों नूं अपील करदा कि अपने फर्ज नूं पछाणो, अपने अपनी समझ नूं पछाणो, तुहानूं अगे लगना पैणा। मेरी खीर च लोगों नूं इह बेनती आ, मैं भी थां थां ते जाके धक्के खांदा, मैं कोई इलैक्शन लड़न दा मेरा टीचा ही नहीं, चंगा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो लड़ूंगा, नहीं तो 2027 च वेखांगे मेरी कोई दुकान नहीं, MLA बनना, MP बनना। तुसीं भी आपो अपनी थां दे उत्ते जागरूक हो। मैं लोगों नूं इह गल कह के समाप्ति कर लगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो।